दोस्तों, मैं दबंग सिंह, फिर हैदर बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग सॉन्ग से स्टार्ट हुआ, बस उसके बाद राखी सावंत लगी हुई है भैया। कोई बर्तन साफ नहीं करे, एक बर्तन गंदे गंदे पड़े हुए सारे के सारे। विकास होता है ना, बोलो ना उसको जाके। वो जाके अर्शी को बोलती है, अर्शी उठ जल्दी, पाँच जल्दी उठ भाई, बर्तन साफ कर, कोई खाना चाय बनाने के लिए कुछ बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अर्शी कहती है बस 5 मिनट दे दे, 5 मिनट में आ रही हूँ। इतने बार सब रवीना शोरा सब बजा देते हैं, अभी ये क्या मतलब होता है। रवीना कहती है मैं अपना लंच और डिनर दोनों नहीं करूँगी भाई। विकास होता है क्यों भाई, ये क्या मतलब होता है कि लोग अपने ड्यूटीज पूरी नहीं करते तो हम भी क्यों करें ड्यूटियाँ पूरी। भाई ठीक है, मैं भी नहीं बनाऊंगी। इतने बच्चे का चर्चा करती बाहर आती है, रवीना को भी थोड़ी सी बहसबाजी करती है। अरे तू मत बोल, तू अपने ये है वो है, मैं कर रही हूँ ना बर्तन। कह रही है बर्तन के तो करने पड़ेंगे। सारे बोलते हैं अर्शी खान को भाई, वहाँ से राहुल रहते भी बोल देता है भाई टाइम पे अपना करो ना ड्यूटी, जो टाइम पर होती है टाइम पे करो, तभी सब कुछ टाइम पे, हर चीज़ टाइम पे चलेगी। वो कह रही है रात को मैं अभी उठी थी तो रात को बिग बॉस ने, मैं रात को लेट करती हूँ, जब सब खत्म हुआ तो बिग बॉस लाइटें बंद कर दी। अब बताओ मैं क्या करूँ। इसमें इजाज़ खान ने भी बोल दिया हाँ भाई वो बस सही कह रही है, रात को वो बर्तन साफ करने लगी थी बट ये है कि लाइट ऑफ हो गई, बिग बॉस लाइटें बंद करी तो वो बर्तन नहीं कर पाई। अब उठ के कर तो रही है तो इतने ज़्यादा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है हो गया, वो रुबीना शुरू हुई थी बीच में, अरे तुम तो उसकी साइड लेने लगी हो, ये है वो, मतलब उसकी साइड ले रहे हो जो काम नहीं कर रहा है, ये हुआ है बस। वो कहती है ले जा, मैं बर्तन ना साफ नहीं करती, मुझे ऑर्डर दे, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी बस। फिर अभिनव कहता है भाई ये गलत बात है ना, तुम्हें टाइम पे बर्तन धरती तुम साफ किया करो। अभिनव ने कह दिया तो बर्तन साफ होना शुरू कर दिया है। कहती है पर मैं पहले बोल रही हूँ, मैं किसी का ऑर्डर नहीं सुन रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं ऑर्डर नहीं सुनती किसी का, मैं कोई ऑर्डर किसी का बाप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता, ये वो है, तो कर करा के वो बर्तन साफ करना शुरू कर देती है। देखा जाए तो विकास गुप्ता अपने कैप्टनशिप में कुछ कर तो रहा नहीं है, ना ही किसी को जाके बोलता है। वो कल सोनाली जी को बैठा बातें बातें कर रहा है, सोनाली को बोलता है कि भैया ऐसा है, देखा मैंने ना बोलने झूठनी पड़ती है मेरे को, मैं जो काम करवाना चाहता हूँ मैं करवा लेता हूँ, अभी आपस में लड़बड़ लेते हैं और ये काम हो जाता है। अब देखो बर्तन साफ कर दिए ना उसने, यही बात अपना जैसमिन जाके सब रुबीना वगैरह सब बाहर बैठे होते हैं, देखो अपने अंदर जाके बोल रहा है उसको वो नल्ला कि भाई कैप्टन जो काम नहीं करता कोई भी, जो सलाह कोई काम करवाता नहीं, उसे जाके बोलता है कि देखा सोनाली जी मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, ये आपने फिर लड़ते हैं आपस में बहस करते हैं और ये काम करवाते हैं, बस काम करवाना आना चाहिए, ये नहीं कि फालतू में बहस करो ये करो वो करो। तो ये जैस्मिन सबको बताने लगी हुई थी वहां पे। अब ब्रेकफास्ट के टाइम अपना अली कोनी और अपना जो थे राहुल वैद्य, वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना रहे थे, वहां विकास भी था, तो बात कॉफी पे चली तो अपना कॉफी का, तो यहाँ पे जैस्मिन ने बोल दिया भाई कॉफी तो राखी ने अपने बेड में छुपा रखी है, ये है वो है। तो भाई इस चीज़ में थोड़ी सी टॉपिक हुआ अंदर, क्या विकास गुप्ता राखी बोलता है तुमने ट्रॉफी तुमने कहाँ छुपा रखी है। कह रही क्यों क्या हो गया, कह रहे मैं बेड में, कह रहे नहीं वो जैस्मिन ने बता दिया जाके कि भाई वो ऐसा नाम क्या है कि तूने कॉफी छुपा रखी है, ये है वो है, और वो चोरी वोरी कर लेंगे तो तू भैया अपना साइड पर रख ले और थोड़ी सी मेरे को देते, मैं जाकर दे आता हूँ। तो बस राखी आ रही बाहर, भाई मेरे पीछे रहे कोई बिचिंग करता है, ये करता है वो करता है, उससे एक्सीडेंट हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, वो मर जाए, बस ऐसे मैं उसे बददुआएं देती हूँ बस। यहाँ पे अली को नहीं जो फटा, अली को नहीं कहता भाई ये क्या मतलब होता है, कॉफ़ी के पीछे तो सबको बददुआएं ले जाएगी, मतलब बोला तो जैस्मिन ने था कि भाई कॉफ़ी कौन छुपा के आया है, कि किसने छुपाई है कॉफ़ी। तो बस अली को नहीं को पॉइंट मिला, अली को नहीं ने जो राखी पे छवर में शुरू हुआ, भाई तू बदतमीज है, ये है वो है, तो ऐसे कैसे बोल सकती है कॉफ़ी के पीछे किसी को कि तू मर जाए, तेरे एक्सीडेंट हो जाए, ये है वो है। यहाँ से अपना बीच में जैस्मिन भी कूद पड़ती है, वो तब 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 वो माँ बहन शुरू होती है, राखी तो आपको पता ही है टा 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 वो करती रहती है, बस वो सब लड़ते रहते हैं। सारे उस राखी को समझाते हैं तूने गलत बोला है, कॉफी की बिजड़ा कि तू किसी को बोलेगी जाके बदतमीजी से करते यार ये कर, या तू भाई तेरा टांग टूट जाए तू मर मरा जाए, ये गलत बात है तेरी। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे कहते हैं ना ससरी करते हुए राखी हवा और ये जैस्मिन की, जिसे कहते तू तू मैं शुरू हो जाती है, जैस्मिन उसके गालों में हाल लगाती रहती है, ये है वो है, तू बदतमीज है, तू तो भाई है ही ये है वो है, मतलब अननेसेसरी थे कॉफी के पीछे अच्छी खासी जिसे कहते लड़ाई हो जाती है। अब जैस्मिन और वो राखी बेडरूम में होते हैं तो राखी वहाँ पे लगी होती है, मेकअप करा हुआ था उसने, ड्रामना था, बोलती है अभी इसमें कह रहे तो पपीता पपीते का बीज काट काट के खा जाऊंगी, पपीता ये कर दूंगी, कह रही मैं पंगा मत ले, ये नहीं मत ले, कह रही मैं तोड़ा वाला पपीता पपीता, कह रही मैं एक बार बोल रही हूँ मुझे पंगा मत ले, फालतू में मत बोली जाए, तू भी घटिया औरत है, ये है वो है, तुझे अक्ल नहीं है, आम की चीज़ नहीं है, ये ऐसे करो कॉफी के पीछे दूसरे को बदवा देती है, तो फिर दोबारा थोड़ी बहस मिली। अब यहाँ पे अर्शी खान जैसे कहते हैं कि उसको तो मौका चाहिए होता है, वो बीच में कूद पड़ती है, अर्शी का फिर बोलती है भाई राखी तू तो है ही ऐसी ये है वो है, बस यहाँ से राहुल महाजन और अपना राहुल वैसे शुरू होता है, तुझे तो मौका चाहिए होता है कि बीच में कूदना है और किसी का बोलने का, तू बीच में अभी फालतू में पूछी जा रही है, जब तेरा कोई मतलब नहीं है उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर राहुल की और अपना अर्शी की लड़ाई शुरू होती है, वो वहाँ पर शुरू होता है अरे तू चुप कर तू चुप कर, नल्ला है तू ये वो, जैसे सलमान खान एक्टिंग करते रहा मैं करते कर रहा उस अर्शी एक्टिंग, वैसे राहुल एक्टिंग शुरू कर देता है, पूरे एक्टिंग करते करते उसके पीछे छेड़ता रहता है और वो वहाँ पर पलती रहती है।
नल्ला है, तू ये है, तू वो है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू इज्जत नहीं करता। वो कह रहा है मुझे पता है, तू है ना, तू वहां पे डाउन करते वर्ड यूज कर देता है कि अगर तेरा शरीर भारी है दिमाग भारी कर, मतलब दिमाग तेरा हल्का है। बस देखो बिग बॉस ही मुझे वो कर रहा है, मेरी बॉडी शेविंग कर रहा है, मेरे बॉडी के ऊपर बोल रहा है, ये है वो है, तो वो बवाल शुरू कर देती है। यहाँ पे राहुल वैद्य सब बैठे होते हैं, वो समझाता है, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने बोला तेरा शरीर भारी है, दिमाग भी भारी कर, भारी दिमाग को वर्ता कर, अपने यूज किया कर कभी। तो बस अभिनव भी जाके समझाता है, भाई अच्छी ये नहीं है, तू जो बोल रही है तू गलत बोल रही है, तू फालतू का मुद्दा उठा रही है, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला तेरे को। और यहाँ पे सबके सब समझा रहे थे अच्छी को, अच्छी तू ऐसी जो फट रही है, जो कर रही है वो गलत कर रही है। राहुल वैद्य ने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल वैद्य फिर कहता है ठीक है, जो करना है कर ले भैया, मैंने जो बोला है स्टैंड और मैं सस्पेंड पे हूँ, उस पर खड़ा हूँ स्टैंड के ऊपर। अब राहुल और अली बर्तन साफ कर रहे होते हैं, राहुल कहता है ये अच्छी जो बार बार चैपे चैपे करती है ना, ये भड़क रही है इनको। वो कह रहा है हमारी गलती है भैया, हमने इनको वो इसको दिया हुआ है कि भाई इसको दोस्त बना लिया आपने, इस पर टच करने लगे, हमारी बहुत बड़ी हमारी गलती है जो हम पे बरसने लग जाती है, और ये सारी की सारी गलती हमारी है। तो यहाँ पे विकास भी होता है, यहाँ पे जो जस्मीन है वो बोल देती है, विकास बोलता है भी ये जो लड़ाई हुई नहीं होनी चाहिए, कह रहा है तुम्हारे तेरे कारण ये, तूने जाके उसको भड़काया कि जाके कॉफी जस्मीन ने बताया कि कॉफी तुमने छुपा रखी, ये जो तूने भड़काया तो तेरे कारण ही यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई है। कह रहा है जस्मीन तुझे क्या प्रॉब्लम है मेरे से, मैंने तुझे कुछ बोला नहीं, कुछ करा नहीं, मैंने सिर्फ जाके इतना बोला कि भाई जो कॉफी है वो संभाल के रख, कॉफी वो जस्मीन को लगा तो उनको दे दे, मैं तो तुम्हारे लिए लेके भी आया था। भाई जस्मीन कहते तुम्हारे कहने का तरीका नहीं है भैया, तूने इसको भड़काया तभी जगह आगे वो जहाँ पे लड़नी शुरू हुई है यहाँ पे। अब राखी अपना वही है जो घूम के बाद से आती है, मैं कर दूंगी जैसे, वो अपना आ गई है मेरे अंदर, ये तो आगे बैठ जाती है उधर। वहां पे निकी और जस्मीन को पता नहीं क्या होता है, जो उसका वो होता है ना जो एक मुंडी टूट जाती है वो बत्तख सी की, वो राखी ने संभाल के रखी होती है। बस उससे लेके वो फुटबॉल इतना खेलने ले जाते हैं, राखी को छेड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करते करते कर आगे जस्मीन आगे वो मुंडी उसके राखी के सर के ऊपर डाल देती है। अब जैसे सर पे डाल देती है राखी शुरू, मेरा नाक टूट गया, मेरा नाक टूट गया, भाई वो रोना शुरू कर देती है जल्दी। वो करिए मैंने कुछ कराया नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीज ही नहीं जैसे तेरा नाक टूट जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। वो अपना दो तीन चार बड़ी सर पटकती है, टेबल पटकने शुरू कर देती है जो जोर से, वहां ली हुई उसको बचाते रहता है। बस इसको लेके राखी ने जो बवाल करा, जो रोई जो रोई, वो भैया पूरे सीरियल में रोती ही रही, पूरे एपिसोड में जैसे कहते हैं एंड तक वो रोती 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 लिखती रही। अरे घर वाला के बोली यार राखी ये वो मेरे ये हो गया, मैं रो रही, मेरे उसने नाक तोड़ दिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, रो रो के उसने राखी ने बुरा कर दिया। वहां जैस्मिन लगी रही भाई ड्रामा कर रही है, ये है वो है, नौटंकी है ऐसी इसकी, कोई मैंने नहीं बुरा, ये सबको दिखा रही थी माँ, उसको फेस को दिखा रही, देखो इसमें कोई यह चीज है, ये थर्मोकोल गया, टूट लग सकता है, कोई लग सकता है, सब उसे बोल रहे हैं भाई जैस्मिन ठीक है अभी तेरा नहीं लग सकता ये, वो अभी लगी है, जबकि सबके सब घर वाले यही बोल रहे थे कि भाई राखी धावन नौटंकी कर रही है। बट ये था कि वो एक अब वो डाला है तो उसको यही बोले जैस्मिन तूने डाला है, बस वो इसी चक्कर में लगी है बवाल करने कि मुझे लगाया मुझे लगाया मुझे लगाया मुझे लगाया। वहां पर लगी है तो राहुल माधवी कहता है अरे टांगे कैसे खोल सकते हैं, उसने जैसे अपना करा रखे हैं इतने साल पहले टांगे लगे हैं, टांगे खुल जाएंगे, ये वो है कि जब मुझे टांगे खुल जाएंगे, लगी हुई मेरी टांगे खुल गई, ये हो गए। तो वो सब के सब घर वाले कहते हैं टोटली नटंकी कर रही है, बर उसे एक मुद्दा मिला हुआ था वो जस्मिन से जो सुबह लड़ाई हुई थी उसकी, वो उसको लेके खींचने लगी हुई थी। और फिर उसके डॉक्टर ने भी दिखाया जाके वापस भी बाहर आके बैठ गई, वहां पे विकास गुप्ता उसमें लगा हुआ था, जब तू शांत हो जा बिग बॉस कुछ ना कुछ करेगा, कह रहा है बिग बॉस देखो बिग बॉस, वो रोई जा रही है। यहाँ पे सोनाली भी आगे बोल रही थी भाई उसको कम से कम जस्मिन को बोलना चाहिए। वहां दूसरे जस्मिन को सारे समझाने लगे थे कि जस्मिन तू ठीक है, तेरी गलती नहीं है, हमें भी पता है ये नहीं है। रुबीना भी बोल रही थी कि भाई कोई से जोड़ नहीं लगी, ये सब सिर्फ नौटंकी कर रही है, निक्की तो आपको पता ही है, और जस्मिन साथ थी, ये नौटंकी नौटंकी चल रही है। तो कल अच्छा कहा कहते हैं यहाँ पे राखी सावंत को लेकर नाक का बवाल चल रहा था। बिग बॉस अभी इतना सा बवाल बन गया, बिग बॉस ने सबको इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने बेचारे ने कल टास्क कैप्टनी टास्क देना था, जो उन्हें करना था, जो उसके लिए सारा बार वो कर रखा था, माहौल बना रखा था, वो तो हो नहीं सका इन लड़ाई के चक्कर में। बिग बॉस ने कहा भाई तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि टास्क को पर्सनल लोग जो भी मजावरी करते हो भाई, तुमने हर चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ मत करो कि किसी को चोट लग जाए या कोई उसकी प्रॉब्लम हो, पर तुम नहीं सुनते हो। तो आज जो जस्मीन और राखी सावंत का हुआ, इससे भाई उसको राखी सावंत के नाक पे लग गई, जबकि बिग बॉस ने भी को पता था कि राखी सावंत को नहीं लगी है, पर उसने जस्मिन को हल्का सा बोला कि जस्मिन भाई ठीक है अभी तुम भाई तुम्हारी मंशा नहीं थी उसको ऐसे मारने की, और जबकि कह रहे हैं यही पता कि उसको लगी नहीं है, सीधा डायरेक्ट नहीं बोला बिग बॉस ने, बट ये है कि तुम्हें आगे से ध्यान रखना है और सबको भी ध्यान रखना है भी ऐसा ना करें, और ये तुम्हें बोला जाता है भी अच्छी को ध्यान रखना जाएगा तुम। यहाँ पे वो जस्मिन बोल देती है बिग बॉस ये क्या मतलब होता है, मारा उसने जब सर मारा शीशे में तब उसका लगी है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, और जस्मिन रोना शुरू कर देती है, सब जस्मिन को समझा लेते हैं।
भाई तू क्यों रो रही है, तेरा कह रहे बिग बॉस ने बोल तो दिया, तुझे कोई दंड थोड़ा दिया जरूर। नहीं, बिग बॉस ने कहा आपकी निंदा करते हैं भाई, बिग बॉस मेरे ऊपर ही वो जब उसका तो अपना सिर मारा है, उसने सिर पे मारा है, ये है वो है, तो कल यहीं पे बिग बॉस खत्म हो गया। दोस्तों ये था कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा आज वही कैप्टन के साथ जो कल नहीं हो पाया था वो शुरू किया जाएगा। राखी वही अपना चुड़ैल के गेटअप में इधर घूम रही है, कर रही होती है, टास्क चल रहा होता है, तो राहुल महाजन की धोती होती सब कुछ फाड़ना शुरू कर देती है, और अच्छे अच्छे कपड़े फाड़ती है राहुल महाजन, मतलब सब लोग कच्चे अंदर रह देती है, यहाँ पे ज्वली को नहीं फटता है बिग बॉस। ये क्या मतलब होता है, ये टास्क चल रहा है ना, तुम कपड़े फाड़ने शुरू कर दोगे, ये ड्रामे कर लोगे, और यही काम अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ किया होता तो इतना बवाल इकट्ठा हो जाता। आज उसकी कोई इज्जत का वो नहीं है, राहुल महाजन की कोई इज्जत नहीं है, जो उसकी बेइज्जती करते रहते हैं, ये वो है, और अच्छा खासा जिसे कहते हैं अली गोनी यहाँ पे बवाल इकट्ठा कर देगा इस चक्कर में। वही दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम बिग बॉस को लेके, तब तक सत श्रीकाल। कोविड होगा दोस्तों, अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।